नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का अपने YouTube चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। काइट्स कोचिंग क्लासेस, एक कदम भविष्य की ओर। तो हमारा जो टॉपिक चला था वो जेओए के बैच के रिगार्डिंग चला था। तो पिछले टॉपिक में हमने किसके बारे में किया था, पिछले टॉपिक में जो पिछले किए थे एमएस वर्ड के, उसमें हम टाइटल बार के बारे में कर चुके हैं। टाइटल बार के बाद हमने टैब बार के बारे में कर लिया। टैब बार के बाद हमने रिबन के, जो टैब बार की कौन सी टैब, होम टैब के दो रिबन के बारे में पढ़ा, एक फॉन्ट के बारे में, और किया हमने क्लिप बोर्ड, दो रिबन के बारे में किया। तो जो आज का टॉपिक है वो मेरा किससे रिगार्डिंग है, जो रिबन के नीचे बार यूज होती है, कौन सी, रूलर बार। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा क्या है, रूलर बार। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी यानी कि जेओ के एग्जाम में कुछ हेल्प मिल सके। मींस जो मेरा भाई एक आधे नंबर से रहता है, और मींस जो जिनके पास ये डाटा नहीं है, तो उन तक ये डाटा पहुंच सके और वो अपनी सफलता को हासिल कर सके। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा, कौन सा, रूलर बार। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि इंडेंट कौन सी बार पे होता है। तो इसके लिए हम समझते हैं, जैसे हमने किया कि टैब बार के नीचे हर एक टैब का अपना रिबन होगा, क्लियर है, और रिबन के नीचे क्या एक बार होगी जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रूलर बार। कौन सी बार, रूलर बार। अब रूलर बार में क्या होता है, रूलर बार में हमारा इंडेंट होता है। क्या चीज होगी, इंडेंट। अब इंडेंट है क्या, देखो आप कोई पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, राइटिंग करते करते आपको डेकोरेटिव करने के लिए पैराग्राफ में जैसे आप स्पेस छोड़ते हैं, पैराग्राफ ऐसे लिख रहे हैं एक लाइन छोड़ के, फिर नेक्स्ट लाइन ऐसे, यानी कि पैराग्राफ को अलग अलग लिखते हैं, तो उस पैराग्राफ में जो ये स्पेस दिया जा रहा है, ठीक है, ये स्पेस, ये जो स्पेस दिया जाता है, इसे ही कहते हैं हम इंडेंट। ठीक है, तो इंडेंट कितनी तरह का हुआ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, इंडेंट कितनी तरह का हुआ। अगर देखा जाए तो इंडेंट छह तरह का है, ठीक है, इंडेंट छह तरह का है, पर जो रूलर बार में इंडेंट प्रेजेंट है वो चार तरह का है। फर्स्ट है हमारा फर्स्ट लाइन, सेकंड है हमारा हैंगिंग, थर्ड है हमारा लेफ्ट, और फोर्थ है राइट। पर उसके बाद जो दो तरह के और बचे हमारे पास इंडेंट, कौन सा, इंक्रीज और दूसरा है डिक्रीज। ये दोनों इंडेंट कहां प्रेजेंट होते हैं, ये दोनों होते हैं होम के, होम टैब के तीसरे ग्रुप में, जिसका नाम है पैराग्राफ, पैराग्राफ ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। कौन से, जो आपके इंक्रीज इंडेंट है और डिक्रीज इंडेंट है। तो अब हम करते हैं किसके बारे में, ये है क्या, फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या है, सेकेंड लाइन इंडेंट क्या है, लेफ्ट इंडेंट क्या है, राइट क्या है। ठीक है, तो देखो इंडेंट, अब फर्स्ट लाइन इंडेंट है क्या, बोले जब हम इंडेंटिंग करते हैं, मींस इंडेंट करते हैं, अगर फर्स्ट लाइन में ही जो स्पेस छोड़ा जाता है, फर्स्ट लाइन में ही जो स्पेस छोड़ा गया, उसे क्या कहेंगे, हैंगिंग, सॉरी फर्स्ट लाइन इंडेंट। अगर आप देखें तो आपकी जो आपकी रूलर बार है उस पर ऐसा सिंबल बना होगा, ठीक है, तो इसमें जो अपर वाला है ये क्या कहलाएगा, फर्स्ट लाइन इंडेंट, और ये नीचे वाला ये क्या कहलाएगा, हैंगिंग इंडेंट, और ये जो बॉक्स बना है इसे हम बोलेंगे लेफ्ट इंडेंट। ठीक है, और जो इस साइड है इसे बोलेंगे हम राइट इंडेंट। तो फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या करता है, सिर्फ स्पेस छोड़ता है किसमें, सिर्फ फर्स्ट लाइन में। ये हुआ आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट। आपसे फर्स्ट लाइन इंडेंट से क्वेश्चन क्या बनेगा कि फर्स्ट लाइन इंडेंट बाय डिफॉल्ट कितना होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो फर्स्ट लाइन इंडेंट है, बाय डिफॉल्ट कितना है, 0.5, बाय डिफॉल्ट है आपका 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा जैसे पैराग्राफ की बात की, तो पैराग्राफ में दो लाइनों के बीच की स्पेसिंग कितनी है, मींस ये जो स्पेस होता है दो लाइनों के बीच, ये बाय डिफॉल्ट कितना होता है।
तो दो लाइनों के बीच बाय डिफॉल्ट जो स्पेस होता है वो होता है 1.15। आप नोट कर लीजिए इन चीजों को, क्योंकि एग्जाम में आपसे यही पूछा जाएगा कि दो लाइनों के बीच बाय डिफॉल्ट स्पेस कितना है, तो 1.15। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं किसकी, हैंगिंग इंडेंट की। ठीक है, पहले हैंगिंग इंडेंट को समझेंगे, फिर इसकी शॉर्टकट की के बारे में करेंगे। तो हैंगिंग इंडेंट क्या है, जैसे आपने पैराग्राफ लिखा है, अगर आप चाहते हैं अपने पैराग्राफ में कि फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी जितनी भी लाइनें हैं उनमें मैं स्पेस देना चाहता हूं, ठीक है, तो फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी जितनी भी लाइनें होंगी उन लाइनों को शिफ्ट कर देगा, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, हैंगिंग इंडेंट एक्सेप्ट फर्स्ट लाइन। क्लियर हुआ आपका इतना? क्या हुआ आपका, हैंगिंग इंडेंट। और हैंगिंग इंडेंट का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस टी। अगर आपको हैंगिंग इंडेंट का यूज करना है तो क्या यूज करेंगे आप, कंट्रोल प्लस टी हैंगिंग इंडेंट के लिए। अगर आपको हैंगिंग इंडेंट को रिमूव करना है तो आपका क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और साथ में प्लस टी हो जाएगा। मींस आप शिफ्ट का यूज करके इसको रिमूव कर रहे हैं। तो हैंगिंग इंडेंट का शॉर्टकट और रिमूविंग हैंगिंग इंडेंट का शॉर्टकट। क्लियर हुआ आपका इतना? अगर आपका नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, लेफ्ट इंडेंट और राइट इंडेंट। ठीक है, मींस आप लेफ्ट साइड जो स्पेस छोड़ना चाहते हैं उसे बोलेंगे लेफ्ट इंडेंट, और राइट साइड जो स्पेस छोड़ेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, राइट इंडेंट। क्लियर हुआ आपका? जैसे ये लेफ्ट है, आप ये लेफ्ट है तो ये लेफ्ट इंडेंट हुआ, और आप यहां ही अपना पैराग्राफ लिखते हैं पूरा, तो ये क्या कहलाया, राइट इंडेंट। समझ गए? अगर अब बात करता हूं मैं किसकी, इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट की, क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट से क्या क्वेश्चन बन सकता है कि इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट कहां प्रेजेंट होते हैं, तो ये होंगे पैराग्राफ ग्रुप में। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि इंक्रीज इंडेंट बाय डिफॉल्ट कितना होता है। ठीक है, तो इंक्रीज इंडेंट बाय डिफॉल्ट होता है 0.5, और इसी तरह जो आपका डिक्रीज इंडेंट है वो भी समझ लो तो कितना होगा, 0.5 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा इंक्रीज और डिक्रीज से कि शॉर्टकट की क्या है इंक्रीज इंडेंट की। तो इंक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एम, और डिक्रीज इंडेंट की शॉर्टकट की क्या है, इसको रिमूव करना मींस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। क्लियर हुआ आपका इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट के बारे में? ये किसके बारे में था, ये जानकारी थी हमारी रूलर बार के बारे में। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो करेंगे किसके बारे में, स्टेटस बार के बारे में। अब स्टेटस बार कहां प्रेजेंट होती है आपका क्वेश्चन ये हो सकता है। ठीक है, तो स्टेटस बार जो होती है, हमने क्या किया था स्टेटस बार के हमने स्टेटस बार से पहले यानी कि एक टॉपिक किया था टास्क बार। सबसे नीचे बोला था हमने टास्क बार, जब आप अपना क्या खोलते हैं एमएस वर्ड आपका ओपन होता है तो टास्क बार से जस्ट अबव एक बार होगी जिसका नाम है स्टेटस बार। अब स्टेटस बार में क्या क्या होता है, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यही बनेगा कि स्टेटस बार में यानी कि कौन कौन सी बटन या कमांड्स होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट आप याद रखिए वो है जूमिंग बार, क्योंकि हमने जैसे ही अपना एमएस वर्ड शुरू किया था तो उसमें सबसे पहले हमने एमएस वर्ड की जूमिंग के बारे में बताया था। तो जूमिंग बार हमने किया था कि मैक्सिमम जूम साइज और मिनिमम जूम साइज, तो वर्ड का मैक्सिमम जूम साइज कितना था 500% और मिनिमम जूम साइज कितना था वो था 10%। ये तो था मैक्सिमम और मिनिमम। अगर बाय डिफॉल्ट की बात करता हूं, बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट कितना होगा 100%। क्लियर हुआ आपका? एक था हमारा इसमें स्टेटस बार में कौन सा, जूमिंग बार। नेक्स्ट है हमारा, एक नेक्स्ट आएगा वेब लेआउट। आपसे पूछ लिया जाएगा वेब लेआउट कहां पे यानी कि कौन सी बार में प्रेजेंट होता है, तो वेब लेआउट कहां पे है, स्टेटस बार में। आपसे यह भी पूछ लिया जाएगा कि प्रिंट लेआउट, ठीक है, प्रिंट लेआउट किस बार में होता है, यह भी किसमें होगा, स्टेटस बार में। अब प्रिंट लेआउट के बाद दो और
जैसे होते हैं, एक आप बोलते हैं पेज, एक पे लिखा होता है पेज और एक पे लिखा होता है बर्ड, तो ये दोनों जो बटन या बटन कमांड क्या करती है, ये जो दोनों कमांड्स हैं पेज और, तो पेज एक तो बताएगा टोटल नंबर ऑफ पेज, अगर आपने देखा होगा प्रिंट करते टाइम लिखा आता है टोटल नंबर ऑफ पेज के बारे में, और दूसरा बताया होता है कि आप कौन से पेज पे हैं, ठीक है, कौन से पेज पे हैं, तो पेज की यानी कि जो संख्या है वो भी बताता है। अगला है आपका बर्ड, ठीक है, तो आप बर्ड जो बताता है किसके बारे में, कि आपका कर्सर, आपका कर्सर कौन से बर्ड पे है। जैसे देखिए काइट्स कोचिंग क्लासेस, तीन बर्ड है, ठीक है, और आपका जो कर्सर है वो एंड पे है, तो यहां पे क्या लिखा होगा, बर्ड की जगह थ्री, मींस आपका कर्सर जो है थर्ड बर्ड पे है। क्लियर हुआ आपका, ठीक है। और इसी के साथ मैंने आपको ये भी करवाया था जूमिंग बार के बारे में, जो जूम साइज था कि 10% मिनिमम होगा और 400% मैक्सिमम होगा, किसमें, यह होगा आपका पावर पॉइंट और एक्सेल में, नोट कर लीजिए, क्योंकि यही आप मैक्सिमम आपसे यही पूछा जाएगा, ज्यादा डीप तो आपसे पूछा ही नहीं जाएगा, पर आप जो भी मैं करवा रहा हूं नोट कीजिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट बार के बारे में करेंगे वो करेंगे स्क्रॉल बार के बारे में, स्क्रॉल बार। अब स्क्रॉल बार दो तरह का होता है, एक वर्टिकल स्क्रॉल बार, पेज के आपने नीचे देखा होगा ऐसे, और एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ठीक है। वर्टिकल स्क्रॉल ये होगा आपका वर्टिकल और ये होगा हॉरिजॉन्टल। अब वर्टिकल में क्या करता है, जो आपका पेज है ना, पेज को कैसे आप मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट। और वर्टिकल में क्या करते हैं, आप अपने पेज को मूव करते हैं अप टू डाउन और डाउन टू अप। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ लिया जा सकता है कि जब पेज स्क्रीन से चौड़ा होता है तो कौन सी बार का, मींस क्या होता है, स्क्रीन से चौड़ा होगा तो कौन सी बार का प्रयोग होगा, तो किस बार का, हॉरिजॉन्टल बार का। अगर पेज स्क्रीन से लंबा है मींस ऊंचाई में बढ़ा है तो कौन सी का होगा, वर्टिकल बार का। क्लियर हुआ, ये था हमारा सभी, यानी कि हमारी, अब हमने टाइटल बार के बारे में कर लिया, टैब बार के सिर्फ एक ही टैब का किया क्योंकि उसी में से जो मेन क्वेश्चन है, जैसे पैराग्राफ टैब के भी होंगे अलाइनमेंट वगैरह के, वो आपको मैं करवा दूंगा, पर जो इंपॉर्टेंट वन थे वो मैंने आपको करवा दिए। अब जो हम टॉपिक पकड़ेंगे वो कौन सा है, उसमें करेंगे हम किसके बारे में, जो आपका मार्जिन के बारे में, ठीक है। तो मार्जिन कहां पे आएगा, तो हम पढ़ेंगे पेज सेटअप के बारे में, पेज सेटअप, ठीक है, पेज सेटअप। तो बोला जब पेज सेटअप खोलते हैं, हम वहां पे लिखा होगा पेज सेटअप जब हम खोलेंगे तो हमारे पास क्या खुलेगा, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, ठीक है। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में क्या होता है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले दिया होगा मार्जिन, ठीक है, मार्जिन के बाद एक होगा आपका पेपर, ठीक है, पेपर के साथ होगा लेआउट। अब मार्जिन की बात करूं तो मार्जिन कितनी तरह का हुआ, मार्जिन चार तरह का होता है, एक होगा आपका लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम। मार्जिन कितना हुआ, चार तरह का हुआ, और कौन कौन सा, लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम, आपसे जो क्वेश्चन बनेगा मार्जिन से एक तो यही बनेगा कि कितने तरह का हुआ, चार तरह का हुआ, और बाय डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन कितना होता है, तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट मार्जिन एक होगा, बाय डिफॉल्ट राइट मार्जिन कितना होगा, बाय डिफॉल्ट जो आपका राइट मार्जिन है वो एक है, ठीक है, और टॉप मार्जिन बाय डिफॉल्ट एक, बॉटम मार्जिन बाय डिफॉल्ट एक। उसके बाद एक और मार्जिन साथ में लिखा होगा, गटर मार्जिन। अब ये गटर मार्जिन क्या है, अगर आप इसको समझे, पहले मार्जिन को मैं बताना भूल गया, मार्जिन क्या है,
जैसे आपका पेज है, पेज से कुछ स्पेस आपने यहां से छोड़ा तो उसको बोलेंगे टॉप मार्जिन, कुछ स्पेस यहां से छोड़ा उसे क्या बोलेंगे बॉटम, कुछ स्पेस यहां से छोड़ते हैं उसे बोलेंगे लेफ्ट, और कुछ स्पेस यहां से छोड़ेंगे उसे बोलेंगे हम राइट। ये तो आपका क्लियर हो गया मार्जिन। नेक्स्ट टर्म है हमारी कौन सी, गटर मार्जिन। अभी गटर मार्जिन क्या है, अगर आप देखें जैसे ही मेरी बुक है, बुक को बाइंड करने के लिए जो यहां पे पेज में स्पेस छोड़ा होता है, जैसे ये स्पेस छोड़ा गया है, ठीक है, इस स्पेस को क्या बोलेंगे हम गटर मार्जिन। क्लियर हुआ आपका गटर मार्जिन। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि गटर मार्जिन बाय डिफॉल्ट कितना होता है, तो गटर मार्जिन बाय डिफॉल्ट जीरो होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गटर मार्जिन कितनी तरह का होगा, तो वैसे तो गटर मार्जिन एक ही होता है, लेफ्ट गटर मार्जिन, पर जैसे हमारी बुक में तो लेफ्ट होगा, पर कुछ गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट की बुक्स होती हैं जिनमें कैसा होता है गटर मार्जिन, हमारा पेज इस तरह खुलता है जिसमें, तो गटर मार्जिन कौन सा होगा, उसमें टॉप होगा। तो आप लिख सकते हैं टॉप, आपसे पूछ सकते हैं कि टॉप गटर मार्जिन किसमें होता है, तो टॉप जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें टॉप गटर मार्जिन भी होता है, ठीक है। उसके बाद अगर पेपर की मैं बात करूं, ठीक है, तो पेपर में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे इसमें क्या होगा जो पेज सेटअप में होगा, यहां पे लिखा होगा एक विड्थ और एक लिखा होगा हाइट, हाँ जी हाइट, ठीक है। तो मींस जो आपका पेपर जो बर्ड में है, जब आप बर्ड खोलते हैं जो पेज सामने होता है उस पेज का हाइट और विड्थ कितना है, तो विड्थ उसकी होती है 8.5 और हाइट होती है 11, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं कि विड्थ बाय डिफॉल्ट कितनी होती है 8.5 और हाइट कितनी होगी 11। तो आपसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो ये पेज होता है, ठीक है, ये पेज होता है, ये तो पेज का साइज हो गया 8.5, पेज का साइज कहलाएंगे ना आप इसको, पेज साइज, पेज साइज इसकी विड्थ 8.5 और हाइट 11, पेज साइज। अगर पूछ लिया जाए कि एमएस बर्ड का बाय डिफॉल्ट पेज कौन सा होता है, बाय डिफॉल्ट पेज कौन सा होता है, तो देखिए अब हमने क्या किया, हमने एक वर्जन किए टिल 2007 और नेक्स्ट वाले किए थे हमने 2019 तक, ठीक है। तो जो ओल्ड वर्जन था उसमें जो पेज होता था, है ना, बाय डिफॉल्ट कौन सा पेपर यूज करते थे हम उसमें, A4, और जो नए वाले वर्जन है उसमें बाय डिफॉल्ट क्या होगा पेपर का साइज, लेटर। क्लियर हुआ आपका, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाय डिफॉल्ट पेज क्या होगा, जैसे वर्जन दिया होगा तो उसी हिसाब से बता देना कि नए वाले वर्जन में लेटर है और पुराने वाले वर्जन में क्या है, A4 है। अब हमारी अगर मैं बात करूं पेज की ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन भी होता है पेज का, है ना, ओरिएंटेशन क्या होता है, जैसे ये जो पेज अगर ऐसा होगा तो इसे हम कौन सा ओरिएंटेशन बोलेंगे, ठीक है, ये हो गया आपका पोर्ट्रेट, ठीक है। अगर आपका पेज ऐसे है तो पोर्ट्रेट, तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि बाई डिफॉल्ट और ये पेपर की बाय डिफॉल्ट पेज की ओरिएंटेशन क्या होगी, क्या होगी ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट होगी पोर्ट्रेट, और दूसरी तरह की ओरिएंटेशन कौन सी है, लैंडस्केप, दूसरी तरह की कौन सी होगी, लैंडस्केप। दो तरह का ओरिएंटेशन हुआ, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो जो बर्ड और एमएस एक्सेल है उसमें जो बाय डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन होती है वो पोर्ट्रेट होती है, पर जो आपका स्लाइड शो वाला जो आपका पावर पॉइंट है उसमें बाय डिफॉल्ट जो ओरिएंटेशन होगी वो कौन सी होगी, लैंडस्केप। ये था हमारा आज का वीडियो, किसके बारे में, आज हमने किया रूलर बार के बारे में, स्टेटस बार के बारे में और पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स के बारे में, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है, वो सारे के सारे कवर कर लिए। उसके बाद अगर कुछ भी रहता है, जैसे मैं आपको एंड में जब हमारा एग्जाम नजदीक आएगा तो मैं को क्या निकालूंगा, जैसे एमएस वर्ड के क्वेश्चन की एक वीडियो बनाऊंगा, एमएस एक्सेल के वीडियो की यानी कि उनकी वीडियो बनाऊंगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहें। और जो आपके लिए सबसे टफ टॉपिक है जैसे बाइनरी सिस्टम, ठीक है, बाइनरी नंबर सिस्टम,
तो मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको बाइनरी नंबर सिस्टम ऐसे करवाऊंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है। तो मेरे साथ आपसे सिर्फ यही है कि आप मेरे साथ जुड़े रहें और लोगों को भी मेरे साथ जोड़े, ठीक है। तो बाइनरी सिस्टम में हम किसके बारे में करेंगे, बाइनरी सिस्टम में बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है, बाइनरी नंबर के बारे में करेंगे, कन्वर्जन बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, है ना, बाइनरी टू डेसिमल इन कन्वर्जन के बारे में करेंगे। साथ में अगर आपसे पूछ लिया जाए बंस कंप्लीमेंट, टूज कंप्लीमेंट, नाइन्स कंप्लीमेंट, टेंस कंप्लीमेंट, या अगर आपसे एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में, तो उसको अच्छी तरह से करवाऊंगा। और जो आपके लिए मेन टॉपिक है, जो आपके लिए टफ होगा, वो है लॉजिक गेट्स, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहे, लॉजिक गेट ऐसे करवाऊंगा आप भूल ना पाओगे कभी। तीन तरह के यूनिवर्सल होते हैं, नॉट, ठीक है, एंड और कौन सा होता है, और, तीन तरह के ये यूनिवर्स, यानी कि तीन तरह के लॉजिक गेट होते हैं, बाकी इसके बाद नैंड नॉर, ठीक है, एग्ज और एक्सक्लूसिव और जो होते हैं वो अलग होते हैं। पर आप मेरे साथ जुड़े रहे, जो भी आपके लिए टफ टॉपिक है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए उसकी वीडियो लेके जरूर आऊंगा। तो अगला वीडियो जो हम करेंगे वो करेंगे शॉर्टकट कीज के बारे में, जो भी शॉर्टकट कीज रहेंगी उसके बारे में, और साथ ही साथ हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जो आपका एमएस एक्सेल है, ठीक है। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर दें, ताकि मेरे को पता चल सके कि किस चीज की आपको जरूरत है और मेरे में किस चीज की कमी है। धन्यवाद।